वेलकम टू द टॉपिक मास्टर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जेनेटिक्स हम पढ़ रहे थे, आज हमें पढ़ना है सेक्स डिटरमिनेशन, जिसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। टॉपिक वाइज हमने कंप्लीट जेनेटिक्स को कवर किया है, कुछ टॉपिक बचे हुए हैं जो कि आजकल में कवर करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं सेक्स डिटरमिनेशन। यहाँ पर नाम से ही बच्चा क्लियर हो जाता है कि हम इस पर पढ़ने क्या वाले हैं। हम इस पर ये पढ़ने वाले हैं कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है, कब होता है, इसके बारे में डिटेल देखने वाले हैं कि कभी मेल और फीमेल जैसे बनते हैं, दो लिंग बन सकती है मेल और फीमेल, इनका निर्धारण कब होगा, कब ये डिसाइड होता होगा कि मेल बनने वाली है और ये कब डिसाइड होता होगा कि फीमेल बनने वाला, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारी चीजें हम देखने वाले हैं इसी टॉपिक पर, मतलब लिंग निर्धारण पर, सेक्स डिटरमिनेशन पर। तो जीवन की शुरुआती अवस्था में जब जीव का परिवर्तन हो रहा होता है, उस समय लिंग का निर्धारण ही सेक्स डिटरमिनेशन कहलाता है। सिंपल सी बात है, ये इसकी क्या हो गई, डिफिनेशन हो गई। अब ये भिन्न भिन्न प्रकार का हो सकता है और ये काफी चीजों पर डिपेंड करता है। कैसे कैसे चीजों पर डिपेंड करता है? वातावरणीय परिस्थितियों पर डिपेंड कर सकता है, लिंग गुणसूत्रों की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर भी डिपेंड कर सकता है। लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं भैया? तो एक्स और एक्स जो कि फीमेल में पाए जाते हैं, और एक्स और वाई ये क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र होते हैं, ठीक। सिंपल सी बात है। अब देखिए, अगर मैं रिप्रोडक्शन के आधार पर सेक्स डिटरमिनेशन की बात करता हूं तो ये मुख्यतः तीन प्रकार के हो सकते हैं। कितने टाइप्स के हो सकते हैं? थ्री टाइप्स के हो सकते हैं, प्रोगैमी, सिनगैमी और एपिगैमी, ये थ्री टाइप होते हैं। अब हम देखते हैं कि इनमें कैसे लिंग निर्धारण होता है और इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इनको हम देख लेते हैं डिटेल में। तो अगर मैं प्रोगैमी की बात करता हूं तो निषेचन के पहले ही ये चीज डिसाइड हो जाएगी कि लिंग का निर्धारण हो, मतलब कि क्या लिंग बनने वाली है, नर बनने वाला है या मादा बनने वाली है, ठीक है। अब देखिए, इसके अगर एग्जाम्पल की बात करता हूं तो बेस्ट एग्जाम्पल है हनी बी से ड्रोन का निर्माण, ठीक है। कि मतलब निषेचन के पहले ही ये चीज डिसाइड हो जाएगी कि ड्रोन बनने वाली है, ठीक है। इसमें निषेचन अभी भी हुआ भी नहीं, लेकिन ये चीज डिसाइड हो चुकी है। अगर मैं सिनगैमी की बात करता हूं तो निषेचन के टाइम हम में क्या है, हम में निषेचन के टाइम डिसाइड होता है कि नर बनेगा या मादा बनेगी, और ये अधिकांश जंतुओं और पादपों में देखने के लिए मिलता है। इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे, ठीक है। अब हम एपिगैमी की बात करते हैं तो एपिगैमी में निषेचन के बाद इस चीज का डिसीजन होने वाला है कि जो संतान बनने वाली है वो क्या बनेगी, मतलब निषेचन कंप्लीट होने के बाद पता चलेगा। तो हनी बी में मादा, मतलब हनी बी से मादा का बनना, ये इसके एग्जाम्पल। बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि यार इतने इतनी चीजों में हम कैसे और इसको डिटेल में पढ़ाइए, कभी इससे डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। पूछा जाएगा टाइप्स, और टाइप्स के उदाहरण वगैरह पूछे जा सकते हैं। अगर नीट एग्जाम की बात करता हूं तो इसमें केवल ये पूछा जा सकता है, इनके एग्जाम्पल देकर पूछा जा सकता है कौन से टाइप हैं, या तो पूछा जा सकता है कि सिनगैमी कब होती है, निषेचन के पहले, निषेचन के बाद, निषेचन के समय, ऐसे करके पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इससे ज्यादा कभी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जितना अपना लेवल है उतना ही पढ़िए, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़िए, ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। ज्यादा ज्ञान हानिकारक होता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दो साइंटिस्ट यहां पर आए, विल्सन और स्टेवेंस। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिंग निर्धारण के लिए क्रोमोसोमल थ्योरी प्रस्तुत की, जिसके कारण इन्होंने क्या किया, अनेक तरीकों के लिंग निर्धारण के प्रकार बताए, ठीक है। विल्सन और स्टेवेंस साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी को प्रस्तुत किया था, किसके लिए, सेक्स डिटरमिनेशन के लिए, ठीक है। अब देखिए, मुख्यतः जो थ्योरी होती है, मतलब इस थ्योरी को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि टाइप इन्होंने बताया था, तो मुख्यतः हम इसमें दो टाइप को देखेंगे, टू टाइप्स को हम इसमें देखने वाले हैं, जिनमें से पहला टाइप है एक्स 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 वाई टाइप, इसको हम लैगियस टाइप भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसका क्या हो जाता है, पहला प्रकार हो जाता है। अब इसके भी दो टाइप होते हैं, मतलब पहले तो इन्होंने दो प्रकार बताए, मेन दो प्रकार बताए, और इसके भी जो पहला टाइप है, इसके भी टू टाइप्स होते हैं, जिनमें से पहला टाइप आता है यही वाला टाइप एक्स एक्स, जो कि क्या होती है, जो मादा होती है, और एक्स वाई ये क्या होता है, नर होता है, सभी को पता होगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं मादा की, ये टाइप होता है ना, इस पर मादा डिसाइड नहीं करती, मतलब हम लोगों में मम्मी हमारी ये डिसाइड नहीं करेंगी कि लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है, पिताजी डिसाइड करते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी। भैया ऐसा कैसे होता है? तो अगर मैं मेल की बात करता हूं तो आपको पता है कि मेल में एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि फीमेल में एक्स और एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो अगर मैं मेल की बात करता हूं तो इसमें दो तरीके के इसमें वो बनेंगे, युग्मक बनेंगे, एक तो एक्स वाला बनेगा, दूसरा वाई वाला बनेगा। लेकिन अगर मैं फीमेल की बात करता हूं बच्चा, इसमें एक्स बनेगा, केवल एक युग्मक ही बनेगा। अब अगर इसमें एक युग्मक बन रहा है, मतलब ये डिसाइड नहीं करने वाली कि कौन बनने वाला, लिंग का निर्धारण क्या होगा, मतलब कौन सी लिंग बनने वाली है। इसीलिए मैंने पॉइंट डालकर भी लिखा कि अगर मैं मादा की बात करता हूं तो मादा होमोगेमेटिक होती है, मतलब केवल एक युग्मक का निर्माण करती है, जबकि नर हेटरोक्रोमेटिक होता है, जो कि दो युग्मकों का निर्माण करता है, और लिंग का मतलब डिसाइडिंग फैक्टर होता है, यही बताएगा, यही डिसाइड करेगा कि कौन सी लिंग बनने वाली है। कैसे डिसाइड करेगा भैया? तो अगर मैं मेल की बात करता हूं तो इसमें दो युग्मक हुए, एक तो एक्स वाला होता है, दूसरा वाई वाला होता है, सभी को पता है, ठीक है। अगर मैं फीमेल की बात करता हूं तो इसमें केवल एक युग्मक पाया जाएगा, जो कि क्या है, एक्स है। तो अगर मैं ये कहूं कि
इसका पहला नंबर मेल का पहला नंबर और फीमेल का तो एक ही है, एक्स के साथ मेल खाता है, मतलब अगर एक्स और एक्स मिलते हैं तो कौन सा बनेगा संतान, एक्स और एक्स संतान बनेगी, मतलब क्या हुई, मतलब फीमेल हुआ कि नहीं हुआ, इसका मतलब फीमेल है, ठीक है। अगर इसका वाई जाता है, मेल वाले का वाई जाता है और फीमेल से एक्स ही आएगा क्योंकि उनके पास केवल एक युग्मक है, तो जो बनने वाली संतान है वो एक्स और वाई होगी, मतलब क्या बनेगी, मेल बनेगा, यहाँ पर जो संतान होने वाली है वो मेल होने वाली है। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि क्यों मैं ये कह रहा हूं कि मेल यहाँ पर डिसाइड करता है, पिताजी यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि क्या बनने, लिंग क्या होने वाली है, मतलब कि फीमेल बनने वाली है या तो मेल बनने वाला, ठीक है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, इसको अगर डिटेल में लिखने के लिए आता तो आप लिख भी सकते हैं, बाकी बहुविकल्पी क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होने वाले, नीट वगैरह कोई दिक्कत, नीट वगैरह जो बच्चे देख रहे हैं वो एक भी प्रॉब्लम ना ले, क्योंकि सिंपल टॉपिक अच्छी तरीके से मैं समझा रहा हूँ, एकदम से आप ही के बेसिस पर पढ़ा रहा हूँ, सिंगल टॉपिक आपके ऐसे नहीं रहेंगे जो आप यहां से पढ़ें और फिर इसके बाद उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और क्वेश्चन गलत हो जाए, ठीक है। बहुत ही कम और बहुत ही सिलेक्टिव पढ़ा रहा हूं, लेकिन सारी चीजें एनसीईआरटी की पढ़ा रहा हूं, प्लस आपके एग्जाम के लिए जितनी भी चीजें हैं वो भी साथ साथ चल रही है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं इनकी एग्जाम्पल की, तो सबसे पहले एग्जाम्पल हम है जो कि क्या है, मनुष्य, और दूसरा नंबर एग्जाम्पल हो जाते हैं ड्रोसोफिला, ठीक है। इन एग्जाम्पल की तो याद रखने में दिक्कत नहीं होगी, कोई बात नहीं, और ये पूछे भी नहीं जाते हैं। पूछा क्या जाएगा आपसे, पादपों में कोक्सीनिया पर देखा जाता है क्या, कोक्सीनिया मिलेंड्रियम एक पादप होता है जिस पर इस प्रकार का, मतलब एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप का वो देखने के लिए, लिंग निर्धारण देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ये नाम इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, कोक्सीनिया मिलेंड्रियस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, इसी के सेकंड नंबर की बात करता हूं, तो जेड डब्ल्यू और जेड जेड टाइप। अब देखिए यहां पर जो जेड डब्ल्यू है वो मादा है, मोस्ट कंफ्यूजन क्वेश्चन यहां से आ जाता है भैया कि अभी तक हम मादा जो पढ़ रहे थे वो तो समयुग्मकी होती थी, ठीक है, लेकिन यहां पर मादा विषमयुग्मकी है। आप देखिए ना, जेड डब्ल्यू मतलब विषमयुग्मकी, लेकिन नर समयुग्मकी हो गया है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि भैया यहां पर अब नर डिसाइड नहीं करेगा कि कौन सा लिंग होने वाला है, मतलब यहाँ पर नर लिंग को निर्धारित नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि जो नर होते हैं वो होमोगेमेटिक होते हैं, मतलब केवल एक युग्मक का निर्माण करेंगे, और जो एक ही युग्मक का निर्माण करता है वो कैसे डिसाइड कर सकता है कि नर होने वाला है कि मादा होने वाली है, लेकिन जो मादा है वो हेट्रोक्रोमेटिक होते हैं जो कि दो युग्मकों का निर्माण करते हैं। अब इसको हम डिटेल में अगर देखें, उससे पहले मैं एग्जाम्पल की बात कर लेता हूं, तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं तो पक्षी हो गए, मछलियों में और रेप्टाइल्स में ये देखने के लिए मिल जाता है। अब इनका एक प्लांट का एग्जाम्पल है, ये भी है, फ्रिगेरिया इलेटियोर, ये किसका एग्जाम्पल है, ये प्लांट का एग्जाम्पल है, मतलब प्लांट में ये टाइप देखने के लिए मिलता है, और प्लांट वाले सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि नाम उनका टफ होता है, बच्चे अक्सर नहीं याद रख पाते हैं, ठीक है। अब अगर डिसाइड कैसे होगा, तो देखिए अगर मैं मादा की बात करता हूं तो इसमें दो युग्मक है, एक तो जेड वाला है, दूसरा क्या है, दूसरा डब्ल्यू वाला है, ये किस पर पाया जाता है, फीमेल पर पाया जा रहा है, लेकिन अगर मैं मेल की बात करता हूं तो केवल इस पर जेड वाला पाया जा रहा है और ये क्या है, मेल है, ठीक है। अब देखिए इस पर तो केवल एक टाइप है, अगर इससे एक्स वाला, इससे जेड वाला गया और इससे मिला, तो जो बनने वाली संतान है वो जेड और जेड बनेगी, जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम मेल कह देंगे, ठीक है। लेकिन अगर डब्ल्यू वाला जेड से मिला तो जो संतान बनने वाली है वो बनेगी जेड और डब्ल्यू, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम फीमेल बोलेंगे। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर जो डिसाइड कर रहा है कि लिंग क्या होगी वो मादा है ना कि नर, जबकि पहले टाइप्स में हमने क्या देखा, पहले टाइप्स में हमने देखा कि वहां पर पिताजी डिसाइड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर पिताजी डिसाइड नहीं करते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और सेकेंड टाइप की अब बात करते हैं, जो कि क्या है, एक्स एक्स तो मादा है, ठीक है, सिंपल सी बात है, तुम्हें पता है, लेकिन अगर एक्स ओ की बात करता हूं तो ये नर हो जाता है, नर का टाइप हो जाता है। अब यहां पर जो एक्स ओ है, थोड़ा सा याद रखिएगा, जो ये ओ है ना, एक तरीके से इसको हम जीरो लिख सकते हैं। अगर मैं इसको जीरो लिख दूं तो आप कहेंगे भैया यहां पर तो एक क्रोमोसोम ही कम हो गया, तो हाँ यहां पर बिल्कुल एक क्रोमोसोम कम होता है, नर में एक क्रोमोसोम की कमी होती है, मतलब नर में एक गुणसूत्र की कमी होती है, इसको हम एक्स ओ लिख देते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर देखें तो आप देखेंगे नर तो यहां पर विषमयुग्मकी है, लेकिन मादा क्या है, समयुग्मकी है। यहां पर नर में भले ही एक गुणसूत्र की कमी है, लेकिन जो नर होगा वो विषमयुग्मकी ही होगा, ठीक है, चीजें क्लियर हैं। अब अगर मैं इनके एग्जाम्पल की बात करता हूं तो सिंपल सी एग्जाम्पल है, टिड्डा हो गया, कॉकरोच हो गया, एस्केरिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये एग्जाम्पल आपको याद हो जाएंगे। लेकिन फिर से वही प्लांट वाली बात आती है, जो कि सबसे ज्यादा टफ एग्जाम्पल होते हैं, क्योंकि इनके नाम भी याद करने में, तो नाम तो बात छोड़िए, पहले टर्म लाने में इनको काफी ज्यादा लेट लग जाती है, फिर इसके बाद आप नाम याद रखिए। अगर याद रखने की ट्रिक बताऊं तो कोई ट्रिक इसकी नहीं है, केवल एक ट्रिक है कि आप बार बार किताब पर लिखिए, कॉपी पर लिखिए, और फिर इसके बाद बार बार इसके प्रोनाउंस कीजिए, आपको याद हो जाएंगे, एक बार दिमाग में सेट हो गया फिर नहीं भूलने वाला, ठीक है। जो
पहला एग्जाम्पल है वो है डायस्पोरिया साइनुटा, ये पहला एग्जाम्पल हो जाता है। जो सेकेंड नंबर है वो क्या है, वेलिसनेरिया स्पाइरेलिस, ठीक है, ये इसका सेकेंड नंबर हो गया। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा टफ है, एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी पर नहीं दिया हुआ, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नीट में अक्सर पूछ लिया जाता है। बाकी अगर ट्वेल्थ वाले भी वीडियो को देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा, आगे आपको कंपटीशन देना ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले हाँ ये चीज मैंने आपको बताई नहीं कि चीजें कैसे, मतलब यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर कैसे होगा, क्रॉस वगैरह सब कुछ सेम होंगे, ठीक है। अगर मैं मादा की बात करता हूं तो इसमें केवल और केवल एक युग्मक बनेगा, आपको पता ही है केवल एक युग्मक का निर्माण होगा, लेकिन यहाँ पर दो युग्मक बनेंगे एक्स और ओ। ओ यहाँ पर क्या है, जीरो है, मतलब यहाँ पर कोई क्रोमोसोम नहीं है। अगर एक्स ओ से मिला तो यहाँ पर एक्स ओ बना, ठीक है, जो कि क्या है, जो कि नर है, आपको पता ही है। लेकिन अगर ये एक्स और एक्स से मिला तो ये एक्स और एक्स बना, जो कि आपको पता है ये क्या है, ये मेल है, सॉरी ये फीमेल है। तो अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे चीजें डिसाइड हो रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। अभी तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं देखे, यहाँ पर साइंटिस्ट के नाम हैं। अगर मैं सेक्स क्रोमोसोम की बात करता हूं तो इनकी खोज सर्वप्रथम एमसी क्लोंग ने की थी, ठीक है। सर्वप्रथम इन्होंने एमसी क्लोंग ने सर्वप्रथम टिड्डे पर, यहां पर इंपॉर्टेंट ये भी बात आ जाती है कि टिड्डे पर इन्होंने सेक्स क्रोमोसोम के बारे में बताया। अब एक्स क्रोमोसोम आप बहुत पढ़े होंगे, एक्स क्रोमोसोम। अब इसकी बात ये आती है कि भैया इसको मतलब पहली बार सर्वप्रथम इसको देखा किसने था या खोजा किसने था, तो सर्वप्रथम इसको हेकिंग नामक साइंटिस्ट ने खोजा और इनका नाम जो दिया था वो इनका नाम क्या दिया था, एक्स बॉडी कहकर पहचाना। ये क्वेश्चन यहां से बहुत ज्यादा बन जाता है, क्योंकि पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि एक्स क्रोमोसोम की खोज किसने की थी, सेकंड क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एक्स बॉडी की खोज किसने की थी, थर्ड नंबर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भैया जो हैकिंग साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्स क्रोमोसोम को क्या कहा, तो एक्स बॉडी कहा था उन्होंने, ठीक है। सिंपल सी बात है कि नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। अब देखिए यहां पर मैंने ये चीज तो बता ही रखी है, लेकिन एक चीज मैंने मिस कर दी थी कि जो एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप है इनके साइंटिस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो इनके साइंटिस्ट क्या थे, विल्सन और स्टेवंस, इन्होंने सर्वप्रथम मिल्कवीड बग जिसको हम लेगियस भी बोलते हैं उस पर सर्वप्रथम एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप को देखा था और इन्होंने ही इस चीज को एक्सप्लेन किया था। इनके नाम तो हमने पहले भी देख लिए, ठीक है। सारी चीजें मैंने आपको बेहतरीन तरीके समझाई है, सिंगल प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बाय द वे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती तो आप तुरंत कमेंट करिए और मुझे ये बताइए कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट लेक्चर पर हम पढ़ने वाले हैं जीन बैलेंस थ्योरी के बारे में। बहुत ही सिंपल थ्योरी है लेकिन एनसीईआरटी पर बहुत टफ तरीके से दे रखी है, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा, अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, अपने शब्दों में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज पर आपको समझाऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट चीजें क्लियर होंगी, सिंगल प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट लेक्चर पर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, थैंक यू।